गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो आज हम लोग देखने जा रहे हैं डीसी लोड लाइन के बारे में. डीसी लोड लाइन यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर का जब हम डीसी एनालिसिस करते हैं तो डीसी लोड लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं एंड डीसी लोड लाइन क्या होती है. उसी के ड्यूरेशन में हम लोग क्यू पॉइंट यानी क्वेसेंट पॉइंट एंड एज वेल एज ऑपरेटिंग पॉइंट के भी जिक्र करेंगे. लेकिन उससे पहले हम एक थोड़ा सा समराइज करना चाह रहे हैं कॉमन इमीटर कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने बेसिकली क्या क्या ले रखा है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने लिया है इनपुट रेजिस्टेंस को आउटपुट रेजिस्टेंस यानी कि तीनों का आउटपुट रेजिस्टेंस कंपेयर कर रहे हैं, वोल्टेज गेन, करंट गेन एंड सर्टन एक आध एप्लीकेशन. तो अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँ तो क्या है कॉमन बेस का, कॉमन इमीटर का एंड कॉमन कलेक्टर का हम देखते हैं इनपुट इम्पीडेंस. तो कॉमन बेस का इनपुट इम्पीडेंस जो होता है वो लो होता है, कॉमन इमीटर का भी लो होता है लेकिन कॉमन कलेक्टर का वेरी हाई होता है. ओके, जब हम आउटपुट इम्पीडेंस में जाते हैं तो कॉमन बेस का जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है यानी कि आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है ना, एंड कॉमन इमीटर का जो होता है वो भी बहुत ज्यादा हाई होता है लेकिन कॉमन कलेक्टर का आउटपुट इम्पीडेंस लो होता है. इससे फर्क क्या पड़ता है, यहाँ पे फर्क पड़ता है वोल्टेज गेन एंड करंट गेन में. इसकी वजह से देख सकते हो लो इनपुट इम्पीडेंस एंड हाई आउटपुट इम्पीडेंस की वजह से हमारा जो वोल्टेज गेन हो जाता है वो ज्यादा हाई हो जाता है, करीब करीब 150 या हाई कर सकते हो, है ना. एंड सिमिलरली कॉमन इमीटर का भी वोल्टेज गेन क्या हो जाता है, काफी हाई हो जाता है लेकिन 500 टाइम्स समथिंग लाइक दैट. बट कॉमन कलेक्टर का जो आउटपुट इम्पीडेंस हो जाता है वो काफी कम हो जाता है, यानी कि लेस देन 1 यूनिटी से भी कम होता है. लेकिन जब हम करंट गेन पे आते हैं तो देखिए क्या फर्क पड़ता है. करंट गेन में क्या होता है, करंट गेन किसको बोलते हैं, अल्फा. यानी कि जब हम करंट गेन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं IC/IE. तो IC/IE अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है क्योंकि IC और IE अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है लेकिन IE की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती है IC से. तो IC/IE हम अगर डिवाइड करेंगे तो 1 से कम आएगा. सिमिलरली हम बीटा की बात करें यहाँ पे तो बीटा जो है वो काफी ज्यादा हाई होता है और साथ साथ में यानी कि कॉमन इमीटर में बीटा यानी करंट गेन जो होता है वो हाई होता है 100 टाइम्स कर सकते हो अप्रॉक्स. एंड सिमिलरली कॉमन कलेक्टर का भी करंट गेन जो होता है वो हाई होता है क्योंकि कॉमन गेन में हम गामा लेते हैं यानी कि करीब करीब 1+β IE=1+β इज इंटर. तो लेकिन इसको हम गामा भी बोलते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा. अब एप्लीकेशन में देखें तो जनरली हम ये हाई फ्रिक्वेंसी के लिए यूज करते हैं. कॉमन इमीटर जो है ऑडियो फ्रिक्वेंसी के लिए यूज करते हैं जो हम वॉइस वगैरह को एम्पलीफाई करने के लिए, और ये जनरली इम्पीडेंस मैचिंग के लिए करते हैं क्योंकि इसको यूनिटी गेन एम्पलीफायर के तरीके से हम यूज करते हैं. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कॉमन इमीटर को हम प्रेफर क्यों करते हैं. तो देखिए इसका एक और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि इसका आउटपुट वोल्टेज एज वेल एज यानी कि वोल्टेज गेन एज वेल एज करंट गेन दोनों हाई है. It means that it can be used for both the purpose, यानी कि voltage amplification as well as current amplification के लिए use करते हैं. इसीलिए सबसे ज्यादा जो है वो हम common emitter को maximum application में use करते हैं. Clear है? अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं. ये तो हमने एक summarize कर दिया इसको. Now we'll go to the next slide. अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं biasing के बारे में. What is बायसिंग, ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या होती है. तो बायसिंग का मतलब मैं पहले बताया था, बायसिंग का मतलब होता है एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज अप्लाई करना. और यहाँ पे ट्रांजिस्टर के टर्म में बात करें तो क्योंकि ट्रांजिस्टर कैन ऑपरेट इन एनी ऑफ द 3 रीजंस ऑपरेशंस, यानी कि नेमली कट ऑफ रीजंस में या एक्टिव रीजन में या सैचुरेशन रीजन में, तीनों में से किसी रीजंस में काम कर सकता है. तो ये प्रॉपर बायसिंग यानी प्रॉपर एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज हम इस तरीके से लगाए हैं अक्रॉस द कलेक्टर बेस जंक्शन एंड इमीटर बेस जंक्शन, यानी कि डीसी वोल्टेज को हम दो जंक्शन होते हैं यानी कि ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होते हैं, कलेक्टर बेस जंक्शन और इमीटर बेस जंक्शन. तो हम इस तरीके से डीसी सप्लाई को अप्लाई करें ताकि वो इन तीनों में से किसी एक रीजन कट ऑफ एक्टिव या सैचुरेशन रीजन में काम करे. टू ऑपरेट इन ट्रांजिस्टर इन एक्टिव रीजन, सैचुरेशन या कट ऑफ रीजन, वी नीड टू फिक्स द ऑपरेटिंग पॉइंट और क्यू पॉइंट. इसके बारे में हम अगली स्लाइड में बात करेंगे कि ऑपरेटिंग पॉइंट और क्यू पॉइंट क्या होता है. In that region, this is done with the help of circuit connected with the external DC supply. यानी कि external DC supply को हम इस तरीके supply करें ताकि हमारा जो transistor हो वो तीनों में से किसी एक regions में operate कर पाए. In order to do so, we need connected
connect external DC power supply and this process is called DC biasing of the transistor. यानी कि external DC voltage हम जो apply करते हैं यानी कि positive battery, negative battery या battery का polarity इस तरीके से ताकि जैसे example के लिए हमें active junction में अगर act कराना है तो क्या करेंगे? Emitter based junction को हम power bias and collector based junction को हम reverse bias करेंगे ताकि ये क्या करने लगे? Active junction में काम करने लगे. इसी तरीके से हम सैचुरेशन रीजन में क्या करेंगे, दोनों बैटरी इस तरीके से कनेक्ट करेंगे ताकि दोनों पावर बायस हो जाए, और कट ऑफ रीजन में क्या करेंगे, हम दोनों को इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कलेक्टर बेस जंक्शन और इमीटर बेस जंक्शन के क्रॉस बैटरी, ताकि ये जो है कट ऑफ रीजन में यानी कि दोनों रिवर्स बायस हो जाए और कट ऑफ रीजन में काम करें. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बायसिंग को हम डिफाइन करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. ओके सो अब हम आते हैं जो जो हम पढ़ने के लिए यहाँ पे ये किए हुए हैं, इसको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था मैं डीसी लोड लाइन के बारे में कि डीसी लोड क्या होती है. तो डीसी लोड लाइन को पढ़ने से पहले टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डीसी लोड लाइन, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर को हम कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं. और इसमें हम क्या करेंगे, जैसा कि इसमें हम क्या करेंगे कि हम फिगर वन के थ्रू इसको देखेंगे. तो कॉमन इमीटर में हमने यहाँ पे इमीटर ले लिया है ना, आउटपुट साइड में एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया वीसीसी जो कि नथिंग बट इसको रिवर्स बायस बना रहा है ऊपर की तरफ प्लस, यानी कि एन को प्लस और इसको क्या बोल करा रहा है माइनस. और यहाँ पे कॉमन बेस में एक बैटरी लगा दिया हमने माइनस और प्लस, जिससे क्या कर रहा है ये वीबी को प्लस से माइनस, यहाँ पे ये बेस है तो बेस को बेस के साथ एन पी एन है तो पी से माइनस कनेक्टेड है और ये प्लस से ये एन वाला जो है वो प्लस कनेक्टेड है, तो ये एक तरीके से इसको फॉरवर्ड बायस बना रहा है. तो मतलब हमने एक बैटरी इस तरीके से कनेक्ट की है जिससे कि जैसे कि हमने इसके पहले वाले क्लास में पढ़ा था कि ये एक प्रॉपर बायसिंग हो चुकी है कॉमन इमीटर का. और कॉमन इमीटर में जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसी का सिर्फ एक सिंपल सा एग्जाम्पल फिक्स बायस का एग्जाम्पल लिया है. फिक्स बायस में हमने सिर्फ आर सी एंड आर बी कनेक्ट किया है, आर ई को हमने एज इट इज ग्राउंडेड रखा है, ये पोर्शन जो है इमीटर पोर्शन ग्राउंडेड है. ओके तो इसको यूज करते हुए हम डीसी लोड लाइन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे. तो कंसिडर कि हमने सीई यानी कॉमन इमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया जो कि सर्किट में दिखा रखा है फिगर वन में. ओके एंड जहां पे कि नो सिग्नल इज अप्लाइड, अब ध्यान रखना यहाँ पे इनपुट हम कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो हमने बायसिंग की है उसी के बेस पे देखते हैं कि हम डीसी लोड लाइन यानी कि डीसी बायसिंग में क्या करेंगे, हम सिर्फ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करेंगे जब हम कुछ भी इनपुट अप्लाई नहीं कर रहे हैं. इनपुट हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करके चेक कर रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे और कलेक्टर सर्किट में जो हम लोग बेसिकली देखते हैं यानी कि आउटपुट इस कलेक्टर सर्किट में, इस सर्किट में हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस से प्लस यानी कि प्लस वीसीसी, फिर यहाँ पे करंट आईसी एंड रेजिस्टेंस आरसी है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आईसी आरसी हो जाएगा, और सी और ई के बीच में वोल्टेज डेवलप हो रहा है यहाँ पे, ये माइनस है और ऊपर का पोर्शन प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस वीसी, यानी कि जो इक्वेशन बनेगा वीसीसी माइनस आईसी आरसी माइनस VCE इज इक्वल टू जीरो, जहां पे कि VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC होती है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया. ओके अब इस इक्वेशन पर, ये इक्वेशन जो है आप ध्यान से देखना, ये इक्वेशन एक तरीके से Y इज इक्वल टू MX प्लस C के तरीके से है, यानी कि अगर इसको MX मान ले और इसको C मान ले तो इस तरीके से, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है. और इसको अगर मैं यूज करूं तो एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ये जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है इस पे एक लाइन ड्रॉ होगी, और उस लाइन को यानी कि एक इसको मानते हुए कैसे ड्रॉ होगी मैं अगले वाली स्लाइड में बताएंगे. और यानी कि द अबव स्ट्रेट लाइन ड्रॉ ऑन द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमीटर इज कॉल्ड डीसी लोड लाइन, यानी कि इस इक्वेशन का यूज करके एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ये जो रेड वाली लाइन है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पे, इस लाइन को हम लोग डीसी लोड लाइन बोलते हैं. ठीक है रिपीट. ओके सो ये आउटपुट केवीएल आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में, यानी कि आउटपुट जो हमारा सर्किट है कॉमन इमीटर का, उसमें कलेक्टर टू बेस सर्किट में हमने केवीएल अप्लाई किया, उससे हमें ये इक्वेशन मिला, उससे हमने क्या किया वीसी की वैल्यू निकाल ली जो कि वीसीसी माइनस आईसीआरसी के बराबर हो गई. ये इक्वेशन जो है एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो एक तरीके से वाई इज इक्वल टू एमएक्स प्लस सी को यहाँ पे माइनस, तो एक तरीके से देख सकते हो कि हम सिर्फ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा, बट एम एक्स और ये इस तरीके से सी मान ले हम, तो
तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और इसको अगर मैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पे ड्रॉ करता हूँ आईसी और वीसी के वर्सेस, और जो लाइन ड्रॉ होगी उस लाइन को हम लोग डीसी लोड टाइम कहते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब डीसी लोड लाइन ड्रॉ करने के लिए, जो हम डीसी लोड बताया था कि डीसी लोड क्या होती है, उसको ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो प्रॉपर तरीका क्या है, सबसे पहले जो हमने किया यानी कि इक्वेशन नंबर वन बनाया, यानी कि आउटपुट कलेक्टर सर्किट में हम लोगों ने केवीएल लगाया और उससे ये इक्वेशन बीसी की वैल्यू निकाल ली। ओके, अब इसमें मात्र दो स्टेप करना है। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, अब किसके किसके वर्सेस ड्रॉ करता पहले वो देख लेते हैं। आईसी वर्सेस वीसी ना हमारा आउटपुट कलेक्टर। तो अब आईसी, अगर मुझे सिर्फ आईसी की वैल्यू चाहिए तो मुझे वीसी जीरो करना पड़ेगा, और सिर्फ मुझे वीसी की वैल्यू चाहिए तो आईसी क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। यही काम हम करने जा रहे हैं। तो एक बार मतलब फर्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, आईसी की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर वन में। हर बार जब भी डीसी लोड लाइन पूछा जाएगा आपसे यही काम करना है। तो आईसी इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, इससे क्या होगा, ये आईसी जीरो हो गया, ये पोर्शन ये पूरा जीरो हो गया, और मुझे क्या मिला, सिर्फ वीसीसी। तो वीसी इज इक्वल टू वीसीसी, और इसको मान लिया कि ये जो पॉइंट है ये फिगर में वो हमारा ए दे रहा है। ओके, सो हमने VC is equal to VCC पुट किया, ये जो x एक्सिस है इसको हम, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो x एक्सिस पे इसको हमने रिप्रेजेंट किया है a पॉइंट से, ये दिस इज नथिंग बट पॉइंट a। तो इसको हमने एक पॉइंट मान लिया जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, VCC के बराबर। सेकंड में क्या करेंगे हम, अब इसी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में VCE is equal to 0 पुट कर देंगे, यानी कि VCE की वैल्यू क्या कर देंगे हम, 0 पुट कर देंगे। तो क्या होगा, यहां पे आ जाएगा, अब देखना, VCC is equal to ICRC, यही होगा ना, VCC is equal to IC into RC, और हमें क्या निकालना है, IC की वैल्यू, है ना, क्योंकि y एक्सिस क्या है, IC है, तो ये हो गया हमारा ICRC। तो जब मैं यहाँ से IC निकालूंगा तो क्या होगा, RC यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा और ये बन जाएगा VCC divided by RC, यानी कि IC is equal to हो गया VCC by RC, और इसको हमने पॉइंट B से y एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर दिया, ये पॉइंट B से हमने y एक्सिस पर रिप्रेजेंट। तो ये एक पॉइंट मिल गया, दूसरा पॉइंट मुझे एक यहाँ पे मिल गया, ये दोनों को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये लाइन कहलाएगी हमारी डीसी लोड लाइन। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पे इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए, पॉइंट ए और पॉइंट बी को, जो लाइन ड्रॉ होगी बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, वी ऑब्टेन द डीसी लोड लाइन। डीसी लोड लाइन का करने का तरीका क्या है, कलेक्टर सर्किट में, कलेक्टर टू बेस सर्किट में हम केबल अप्लाई करेंगे, उससे मुझे एक इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन में एक बार आईसी इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, जब IC 0 पुट करेंगे तो मुझे X एक्सिस पे एक पॉइंट, यानी कि इस एक्सिस पे एक पॉइंट मिलेगा, है ना, और ये पॉइंट इस केस में आ रहा है ये वाला। दूसरी बार क्या करेंगे, VC पुट करेंगे 0, यानी कि ये 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, मुझे Y एक्सिस पे एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट को हमने B मान लिया, और दोनों पॉइंट को यहाँ पे मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो उस स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी लोड लाइन बोलते हैं। ये है हमारा डीसी लोड लाइन ड्रॉ करने का तरीका। तो डीसी लोड लाइन क्या हो गया, DC load line is a set of infinite number of such operating points VCEQ and ICQ. यानी कि अब इसमें देखो, कोई एक पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि मैंने एक ये पॉइंट लिया है, तो इस पॉइंट को अगर मैं इधर डॉट लाइन से मैं मिलाऊं इधर और एक तरीके से इधर, तो क्या मिलेगा, ये कुछ कोई VCE की वैल्यू मिलेगी और यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगी, IC की वैल्यू मिलेगी। तो इस पे इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऐसे मिलते जाएंगे, जहां भी मिलाओगे वहां पे दो पॉइंट मिलेगा। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में, VCE एंड IC के रिस्पेक्ट में। Q किससे लिखा हुआ है, Q फॉर कोसेंट पॉइंट। व्हाट इज कोसेंट, नेक्स्ट वाले टॉपिक, नेक्स्ट जो है वो स्लाइड में हम इसको देखते हैं। तो यानी कि यूजर और डिजाइनर कैन चूज एनी पॉइंट ऑफ द डीसी लोड लाइन एज ए ऑपरेटिंग पॉइंट, यानी कि इसमें इनफाइनाइट सेट ऑफ IC, VC और IC के आपको पॉइंट मिलेंगे, और यूजर जो है डिपेंडिंग अपॉन इस डिजाइन एंड एप्लीकेशन कोई भी जो है पॉइंट इस पे चूज कर सकता है या डिजाइन कर सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं Q पॉइंट के बारे में, व्हाट इज Q ऑपरेटिंग एंड कोसेंट पॉइंट। तो Q पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड ऑपरेटिंग पॉइंट, Q पॉइंट को यानी कि कोसेंट पॉइंट को हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट भी बोलते हैं। अच्छा, सिंस द ऑपरेटिंग पॉइंट इज फिक्स्ड, क्योंकि ऑपरेटिंग पॉइंट मतलब ये जो इस पे कोई डीसी लोड लाइन पे जो पॉइंट हम पुट करेंगे, कोई भी एक पॉइंट, वो क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग पॉइंट को कहलाएगा। तो द सिंस द ऑपरेटिंग पॉइंट इज फिक्स्ड ऑन द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी, इट इज आल्सो कॉल्ड क्यू पॉइंट और क्वेश्चन पॉइंट, क्योंकि
क्वेश्चेंट का मतलब होता है क्वाइट और स्टिल, यानी कि स्थिर और इनएक्टिव। यानी कि जैसे मान लो हमने ये कोई पॉइंट लिया, तो ये पॉइंट क्या हो गया, ये फिक्स पॉइंट, यानी कि इसकी फिक्स एक आईसी की वैल्यू होगी और फिक्स जो है वो वीसी की वैल्यू होगी। तो इसको हम रिप्रेजेंट वीसी क्यू और आईसी क्यू के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जब आप न्यूमेरिकल में कहीं पूछा जाए कि वीसी क्यू और आईसी क्यू निकालो, इसका मतलब है कि आपसे क्वेश्चन पॉइंट, क्यू पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट वीसी और आईसी बोला जा रहा है। सिर्फ आप थोड़ा देर के लिए समझिए, यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट वीसी एंड आईसी। ओके, तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि यार वीसी क्यू आईसी क्यू क्यों पूछा जा रहा है। तो वीसी क्यू और आईसी क्यू क्वेश्चन क्यू पॉइंट के टर्म्स में, यानी कि वीसी और आईसी के फिक्स वैल्यू के बारे में बात की जा रही है। यानी कि द क्यू पॉइंट इज द पॉइंट ऑन द लोड लाइन, इस लोड लाइन में विच रिप्रेजेंट्स द डीसी करंट थ्रू द ट्रांजिस्टर, यानी कि आईसी करंट और उसके अक्रॉस वीसी वोल्टेज को, जबकि नो एसी सिग्नल इज अप्लाइड, फाइंड आउट करने को हम क्या बोलते हैं, डीसी पॉइंट। यानी कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में डीसी लोड लाइन पे, डीसी लोड लाइन पे अगर हम डीसी करंट और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आईसी वैल्यू, वीसी वैल्यू को निकालते हैं, जब हम कोई भी एसी सिग्नल अप्लाई नहीं करते हैं, तो उसको हम लोग क्यू पॉइंट बोलते हैं या ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं। ट्रांजिस्टर इज टू बी यूज फॉर एम्पलीफिकेशन, ध्यान रखना यहाँ पे, अगर हमें एम्पलीफिकेशन के पर्पज के लिए ट्रांजिस्टर को यूज करना है, तो उस केस में हमें क्यू पॉइंट को एग्जैक्टली सेंटर पे रखना पड़ेगा, यानी कि डीसी लोड लाइन के सेंटर बीचों बीच रखेंगे, तो एज एम्पलीफायर की तरह ये हम यूज करेंगे। तो अगर क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाता है, वीसी क्यू कॉमा आईसी क्यू, है ना। वीसी क्यू यानी कि वीसी कॉमा, यानी कि वीसी का मतलब क्या हो गया, एक्स कोई भी, अगर मैंने ये पॉइंट लिया यहाँ पे, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे वीसी की वैल्यू और ये इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आईसी की वैल्यू, यानी कि वीसी कॉमा आईसी के वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू पॉइंट बोलते हैं या क्वेश्चेंट पॉइंट बोलते हैं। अब इसी चीज को हम एक एग्जांपल के थ्रू एक इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि हम लोग ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे हम क्यू पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट और आगे की कुछ चीजें निकालते हैं। लेकिन उससे पहले एक लाइन हम पढ़ लेंगे स्टेबिलिटी के बारे में, सेफ्टी फैक्टर के बारे में। ओके, चलिए देखते हैं। तो अभी हम शॉर्ट में थोड़ा सा बायस स्टेबिलाइजेशन के बारे में देख लेंगे कि स्टेबिलाइजेशन क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होती है। तो सिर्फ अभी हम लोगों ने क्या किया कि ऑपरेटिंग पॉइंट निकाला, यानी कि ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब ये हो गया कि डीसी लोड लाइन पे एक फिक्स पॉइंट हमने फाइंड आउट किया। तो हमें स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्यू पॉइंट का फिक्स होना जरूरी है स्टेबिलिटी करने के लिए। लेकिन सिर्फ यहाँ पे लाइन पढ़िए, फिक्सिंग द सुटेबल ऑपरेटिंग पॉइंट इज नॉट सफिशियंट। सिर्फ ऑपरेटिंग पॉइंट को फिक्स करना, यानी कि आईसी और वीसी की वैल्यू फिक्स करना ही सफिशियंट नहीं है, बल्कि हमें ये भी जरूरी है कि वो स्टेबल रहे, है ना। ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो बिल्कुल स्थिर रहे, यानी कि फिक्स ऑपरेटिंग पॉइंट को एक तरीके से स्थिर करने को या स्टेबल करने को हम एक तरीके स्टेबलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट ना पड़े, और वेरिएशन ऑफ ट्रांजिस्टर पैरामीटर इज नोन एज बायस स्टेबलाइजेशन। यानी कि हम, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम ऑपरेटिंग पॉइंट को इस तरीके से स्टेबल या स्थिर बनाते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब क्यू पॉइंट को, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो टेम्परेचर के इफेक्ट से एज वेल एज ट्रांजिस्टर पैरामीटर इफेक्ट, जैसे अल्फा बीटा या और जो हमारी वैल्यूज हैं लीकेज करंट एंड ऑल दोस वैल्यूज, उसका इफेक्ट जो है वो क्यू पॉइंट पे ना पड़े। उस तरीके से हमें इसको स्टेबल करने के प्रोसेस को बायस स्टेबलाइजेशन बोलते हैं। जरूरत क्यों है इसकी, क्योंकि द स्टेबलाइजेशन ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ बीटा, आईसीओ एंड वीबी कॉजेस द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ और क्यू पॉइंट चेंजिंग, यानी कि क्या कहते हैं, चेंज हो जाता है। यानी कि अगर हम बीटा, आईसीओ और वीबी जो क्या करता है, वो क्यू पॉइंट को चेंज करने में एक कॉज क्रिएट करता है। यानी कि अगर मैं बीटा इंक्रीज करूँ, तो बीटा इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि अगर मैं टेम्परेचर इफेक्ट को बढ़ाऊंगा, तो बीटा की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, और बीटा की वैल्यू इंक्रीज होते के साथ ही में क्या होगा, हमारे जो क्यू पॉइंट की वैल्यू जो हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं वीपी को डिक्रीज करता हूँ, वीपी की वैल्यू डिक्रीज होती है विद टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ वीपी डिक्रीज होती है, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा आईसी पे इफेक्ट पड़ेगा। सिमिलरली आईसीओ यानी कि लीकेज करंट कलेक्टर करंट व्हेन मीटर इज ओपन डबल्स इट्स वैल्यू फॉर एवरी 10 डिग्री राइज, यानी कि 10 डिग्री अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करें तो आईसीओ की वैल्यू डबल हो जाती है। तो इन एनी दिस फैक्टर कैन कॉज द ड्रिफ्ट ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट और क्यू पॉइंट, यानी कि ये जो
कोई भी अगर बीटा चेंज हुआ, आईसीयू चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ या वीबी चेंज हुआ, इसकी वजह से हमारा क्यू पॉइंट क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इस वजह से क्यू पॉइंट को फिक्स करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजेशन बोलते हैं, है ना, बैस स्टेबलाइजेशन। क्लियर है? अब क्या करते हैं कि तो हम क्या करें, हम उसके लिए क्या करते हैं कि हर एक के लिए एक स्टेबिलिटी फैक्टर निकालते हैं, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट, हम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी फैक्टर डिसाइड करेंगे हर एक सर्किट का। और उसको कैसे डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट, यानी कलेक्टर करंट का मतलब हमारा है, हम इस कॉमन एक तरीके से बात कर रहे हैं कॉमन मीटर के तौर पे, तो यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू द कलेक्टर लीकेज करंट, यानी कि आईसी करंट विद रिस्पेक्ट टू आईसीओ एट कॉन्स्टेंट बीटा एंड वीबी। जब वीबी और बीटा को हम कॉन्स्टेंट रखें लेकिन आईसी और आईसीओ की चेंज को, रेशियो को हम निकालें, तो वो कहलाएगा स्टेबिलिटी फैक्टर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी कि डी बाई डी डी आई सी बाई डेल आई सी बाई डेल आई सी ओ, सिंपल वर्ड में द रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट का मतलब हो गया विथ रिस्पेक्ट टू द कलेक्टर लीकेज करंट, यानी कि आई सी ओ वेन कॉन्स्टेंट बीटा एंड वी बी। बट द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर शुड बी आइडियली जीरो, जितना हम मतलब मिनिमम हो सके, प्रैक्टिकली एज स्मॉल एज पॉसिबल। प्रैक्टिकली ये जीरो कभी नहीं हो सकता, इसलिए जितना कम रखें उतना सही है, लेकिन आइडियली इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, आइडियली जीरो होनी चाहिए, बट प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू जो होगी जितना कम हो। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, उसी को मैथमेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एस इज इक्वल टू डेल आई सी बाई डेल आई सी ओ व्हेन वी बी ई एज वेल एज बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे डिराइव नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ तीनों चारों जो अभी हम पढ़ेंगे, फिक्स बायस, इमिटर बायस, कलेक्टर फीडबैक बायस एंड कलेक्टर टू बेस बायस एंड वोल्टेज डिवाइडर बायस का स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू डिराइव करने के बाद, यानी कि डेल आईसी बाय डेल आईसीओ से डिराइव करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, उसको हमने यहाँ पे सिर्फ मेंशन किया है। तो अगर मैं फिक्स बायस के केस में डेल आईसी बाय डेल आईसीओ निकालूं तो इसकी वैल्यू 1 प्लस बीटा के बराबर आएगी। सिमिलरली इमिटर बायस में भी इसकी वैल्यू 1 प्लस बीटा, यानी कि डेल आईसी बाय डेल आईसीओ की वैल्यू, स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 प्लस बीटा के बराबर। लेकिन जब कलेक्टर फीडबैक बायस में जाएंगे और हम इसको निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 1 प्लस बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा इनटू आरसी बाय आरसी प्लस आरबी के बराबर इसकी वैल्यू आती है। और वोल्टेज डिवाइडर बायस में यही थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ऊपर 1 प्लस बीटा ही रहेगा लेकिन डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा इंटू ये इस रेशियो आर ई डिवाइड बाई आर ई प्लस आर टी एच, क्योंकि यहाँ पे आर बी जो है वो आर टी एच से रिप्लेस हो जाता है और आर सी जो है यहाँ पे आर ई से रिप्लेस हो जाता है ना। तो इस तरीके से हमारा ये हमने क्या पढ़ लिया, डीसी लोड लाइन, क्यू पॉइंट, स्टेबिलिटी फैक्टर एज वेल एज डीसी लोड लाइन हम ड्रॉ कैसे करते हैं, ये यहाँ तक इस टॉपिक में हमने इसको कवर किया। आगे वाली क्लास में हम लोग इस पे एक न्यूमेरिकल देखेंगे कि ये जो अभी हमने पढ़ा उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो लुक एट हियर, एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन, ड्रॉ द डीसी लोड लाइन, ऑल्सो Determine the operating point and stability factor for the given circuit. यानी कि जो भी अभी हमने पढ़ा है वो सब कुछ मेंशन है इसमें। डीसी लोड लाइन भी ड्रॉ करनी है, ऑपरेटिंग पॉइंट भी फाइंड करना है यानी क्यू पॉइंट निकालना है, और इसका स्टेबिलिटी फैक्टर भी फाइंड आउट करना है फॉर द गिवन सर्किट। गिवन सर्किट क्या है, एक वीसीसी की वैल्यू 15 वोल्ट दी हुई है, आरसी जो है वो 4.7 किलो ओम दिया हुआ है, बीटा की वैल्यू 120 है, RB जो है वो 820 किलो ओम दिया हुआ है, है ना। और इस केस के यानी कि और इमीटर में रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है ये फिक्स बायस सर्किट है कॉमन इमीटर का, और इसके हमें क्या करनी है, ऑपरेटिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी फैक्टर एज वेल एज डीसी लोड लाइन ड्रॉ करना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि जब भी आपसे बोला जाएगा ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड आउट करने का, तो बिना कंफ्यूज हुए, कुछ देर के लिए मेरी बात ध्यान समझना, बिना कंफ्यूज हुए सिमिलर प्रोसेस में सेम वे में आपको क्या करना है कि आईसी और वीसी की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? और आईसी और वीबी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, बेस सर्किट में केबल अप्लाई करेंगे और साथ साथ में कलेक्टर सर्किट में केबल अप्लाई करेंगे या डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा पिछले वाली स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं। जब मैं ये बेस सर्किट में केबल अप्लाई करता हूँ, बेस सर्किट में ये हमारा बेस टू कलेक्टर सर्किट है, इस सर्किट में जब मैं केबल अप्लाई करूंगा यहाँ से लेके ये होते हुए यहाँ ग्राउंड तक, तो क्या होगा,
ये हमारा VCC यानी कि प्लस VCC माइनस IB इनटू RB है ना, एंड माइनस ये VB की वैल्यू ये प्लस और ये नीचे ग्राउंड है तो माइनस, यानी कि माइनस VB इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख पाएंगे 15 माइनस 820 की वैल्यू यहां पे हो जाएगी, ये 20 किलो ओम में है, माइनस IB सॉरी 820 इनटू IB, 820 इनटू IB क्योंकि V इनटू I हो गया, एंड माइनस VBE इज इक्वल टू 0। क्लियर, माइनस VBE इज इक्वल टू 0। और इससे हम क्या करेंगे, IB की वैल्यू को निकालेंगे। इससे हमारे देखिए क्या अननोन है, VBE की वैल्यू 0.7 होती है क्योंकि ये लो वोल्टेज के बराबर होता है, 15 वोल्ट दिया हुआ है, 820 किलो ओम दिया हुआ है, तो सिर्फ IB की वैल्यू डायरेक्टली यहां से इजीली निकल जाएगी। ओके, सो इसको निकालने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे, इसको हमने निकाल रखा है देखिए यहां पे, और हमने यहां पे केवीएल अप्लाई किया सिमिलर वे में। सिमिलर वे में हमने 15 वोल्ट यहां पे रखा, 15 वोल्ट माइनस आईबी यानी कि 820 किलो ओम में है, न्यूटन टू पावर 3 इनटू आईबी, माइनस वीबी की वैल्यू 0.7 इज इक्वल टू 0। तो आईबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 माइनस 0.7 यानी कि 14.3 डिवाइड बाय 820 इनटू 10 टू द पावर 3 क्योंकि ये किलो ओम में है, और इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 17.43 इनटू 10 टू पावर -6 यानी कि आईबी की वैल्यू 17.43 माइक्रो एम्पियर के अराउंड है ना। तो ये आईबी निकल गया। तो आईबी हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें क्यू पॉइंट के लिए क्या निकालना होता है, आईसी एंड बीसी, क्योंकि अगर आईबी निकल गया तो आईबी से हम क्या निकलेंगे, आईसी इज इक्वल टू बीटा इनटू आईबी। आईसी की वैल्यू निकालने के लिए हमें पास फार्मूला पता है, बीटा इज इक्वल टू होता है आईसी बाय आईबी, तो आईसी इज इक्वल टू क्या हो गया, बीटा इनटू आईबी। आईबी ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अगर मैं उसको बीटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी क्या निकल जाएगी, आईसी की वैल्यू। तो यानी कि ये ऑपरेटिंग पॉइंट का, ऑपरेटिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, वीसीई कॉमा आईसी की वैल्यू को ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इससे हमारा एक पॉइंट ये निकल जाएगा। तो आईसी इज इक्वल टू क्या हो गया, 120 हमारे बीटा की वैल्यू है, और आईसी हमने निकाला 14.43, आई थिंक इसकी वैल्यू मिली एम्पियर में आई हुई है, जस्ट इसको वेरीफाई कर लेना आप लोग एक बार। सॉरी इसकी जो वैल्यू है, जस्ट वेरीफाई किया हमने, ये इसकी वैल्यू माइक्रो एम्पियर में ही होगी। तो ये यहाँ पे जो होगा ये वैल्यू, वो आपको रखना पड़ेगा 10 टू पावर -6, ये -6, और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी 2.01916 मिली एम्पियर। तो IB की वैल्यू 14.43 माइक्रो एम्पियर और IC की वैल्यू कितनी आ गई, 2.0916 मिली एम्पियर के आसपास। तो ये इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग पॉइंट का एक वैल्यू हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, VC, और VC निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कलेक्टर करंट में यानी कि जो कलेक्टर है हमारा, उसमें कलेक्टर सर्किट है, उसमें हमें लगाना पड़ेगा KVL या फिर डायरेक्ट फार्मूला। तो यहां पे अगर हम KVL अप्लाई करें इस सर्किट पे तो क्या होगा, ये VCC यानी कि यहाँ से केबल अप्लाई करते हैं, यहाँ होते हुए इसके बाद ऐसे आते हुए पूरा नीचे ग्राउंड की तरफ है, तो VCC हो गया प्लस में, पॉजिटिव वोल्टेज है यहाँ पे प्लस 15 वोल्टेज। इसके बाद इसमें हम IC फ्लो हो रही है, IC इंटू 4.7 किलो ओम माइनस में 15 माइनस IC इंटू RC माइनस C और E के बीच में VC राइज हो रहा है, ऊपर की तरफ प्लस, यहाँ पे प्लस है और नीचे ग्राउंड की तरफ माइनस है, तो हो जाएगा माइनस VC, यानी कि बनेगा 15 माइनस IC इनटू 4.7 किलो ओम माइनस VC इज इक्वल टू 0। और इससे हमें क्या मिल जाएगा, VC की वैल्यू इजीली हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखते हैं इसको अगली स्लाइड में यहाँ पे। तो अभी हम इस यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट किया हुआ है, यहाँ से हमने VC की वैल्यू निकाली है जिससे कि हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट निकल जाएगा। तो हमने सेम यहाँ पे यही काम किया हुआ है कि 15 माइनस IC इनटू RC की वैल्यू 4.7 माइनस VC इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे 15 माइनस 4.7 इनटू IC की वैल्यू ऑलरेडी हम IB निकाल चुके हैं यहाँ पे, या डायरेक्टली बीटा इनटू IB रख सकते हो आप, और इनटू 10 टू पावर -6 क्योंकि ये माइक्रो में है, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू वीसी निकाल लिया हमने। और जब इसकी वैल्यू पुट करोगे, ऑलरेडी हम आईबी की वैल्यू पीछे निकाल चुके हैं, वो वैल्यू 17.43 और या आईसी की वैल्यू निकाल चुके हैं 2.013 मिली एम्पियर के आसपास आई है, उसको वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपको वीसी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5.16। तो आपको क्या मिल गया, ऑपरेटिंग पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट यानी कि क्यू पॉइंट इज इक्वल टू वीसी कॉमा आईसी। वीसी की वैल्यू कितनी आ गई,
5.16, ICQ 2.01, तो आपका यहाँ से Q पॉइंट निकल गया। तो Q पॉइंट निकालने के लिए हमें कुछ अलग नहीं करना है, सिर्फ हमें IC और VC की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और इसी को हमें क्वेश्चन पॉइंट भी बोलते हैं। अब हमें क्या करना है कि इसमें पूछा गया स्टेबिलिटी फैक्टर, तो अगर आपके पास सारी वैल्यू निकली हुई है या फिर बीटा है, तो हमें, हमने अभी जस्ट थोड़ी पहले बताया था कि स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू फिक्स बायस के केस में 1 प्लस बीटा के बराबर होती है। बीटा 120 है और ये जो है वो 1 दिया हुआ है, तो स्टेबिलिटी फैक्टर कितना हो गया 121 के बराबर। क्लियर, यानी कि यहां तक निकालने में तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, कोई अलग मेथड अप्लाई नहीं करना पड़ा, लेकिन अब हमें डीसी रोल लाइन ड्रॉ करने के लिए अलग मेथड अप्लाई करने की जरूरत पड़ने वाली है। देखते हैं अब हमें क्या करना है। जब मैंने बताया था आपको एग्जांपल में कि डीसी रोल लाइन करने के लिए सिर्फ हमें दो स्टेप लेने होते हैं, और वो दो स्टेप क्या है, कलेक्टर जो सर्किट है उसमें केवल अप्लाई करते हैं, और वो क्या होता है वीसीसी माइनस आईसीआरसी माइनस वीसी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा कलेक्टर टू इमीटर का इक्वेशन है, यानी कि आउटपुट सर्किट का इक्वेशन। और डीसी लोड लाइन ड्रॉ करने में इक्वेशन ए में एक बार आईसी इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे और एक बार वीसीई इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो आउटपुट ड्रॉ होता है, ये आउटपुट अगर कैरेक्टरिस्टिक देखो तो ये हो जाता है आईसी वर्सेस वीसी, है ना, कलेक्टर टू इमीटर, ये आईसी वर्सेस वीसी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इस पॉइंट पे आईसी पे कोई वैल्यू चाहिए आईसी पे, तो मुझे वीसी को जीरो करना पड़ेगा, इससे मुझे सिर्फ आईसी मिल जाएगी, और अगर मुझे आईसी जीरो करूं तो सिर्फ वीसी मिल जाएगा। तो वही एक काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर वन में पुट कर रहे हैं आईसी इज इक्वल टू जीरो। तो उससे क्या, अब मुझे जो भी मैंने पहले किया था उसको कुछ देर के लिए भूल जाइए, उसमें हमें अभी वो हमारा एक पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया, अब हमें डायरेक्टली ये प्रोसेस स्टार्ट करना उसको छोड़ के। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, वो एक पार्ट था, ये दूसरा पार्ट है। तो उस पार्ट में हमने आईसी वीसी की वैल्यू निकाल ली, उसे हमें उसका हमें कुछ भी यूज नहीं करना है। अब वापस से जो क्वेश्चन दिया हुआ उस पे हम जा रहे हैं, और उससे हमने ये इक्वेशन निकाला, उस इक्वेशन में हमने आईसी इज इक्वल टू जीरो पुट की, और उससे हमें वीसीसी की वैल्यू वीसी के बराबर आ गई, जहां पे कि वीसीसी कितना दिया हुआ है 15 वोल्ट दिया हुआ है, और इस तरीके से वीसी की वैल्यू यहाँ पे 15 आ गई। तो यहाँ पे इसको मान लिया हमने 15, इसको पॉइंट किस एक्सिस पे आएगा, किस एक्सिस पे आएगा उसको हमने क्या करे पुट कर लिया, इसका नाम ए या बी जो भी देना है आप दे दीजिए। तो इसको हमने ए मान लिया कि ये ए पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, जो कि 15 वोल्ट आ गया। अब क्या करेंगे, सेम इक्वेशन नंबर ए में वीसी इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। तो जैसे वीसी इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे इक्वेशन में, ये हमारा पार्ट जीरो हो गया, तो वीसीसी इज इक्वल टू आईसीआरसी, ये वीसीसी और आईसीआरसी इधर चला जाएगा, और हमारे आईसी की जो वैल्यू आएगी IC is equal to VCC divided by RC, VCC की वैल्यू 15 वोल्ट दिया हुआ है, RC भी 4.7 किलो ओम के बराबर है, तो इसकी वैल्यू आ गई 3.19, और ये वैल्यू कहाँ पे है IC की वैल्यू, ये B वाला पॉइंट हो गया 3.19, ये ठीक है 3.19, तो ये B वैल्यू है और ये वैल्यू है, और ये दोनों को मिला के जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे ये होगी हमारी DC लोड लाइन। क्लियर है, ये हमारा DC लोड लाइन है। अभी हमने नेक्स्ट स्लाइड में इसको ड्रॉ किया हुआ है, देखिए, तो ये यही हमने काम किया यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट आया 15, उसको यहाँ पे पुट कर दिया, और ये जो 10 आया यानी कि यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये हमारा डीसी लोड लाइन हो गया। अब जब हमने जो सॉल्व किया है, जो हमने इसके पहले न्यूमेरिकल फाइंड आउट किया, उसमें आईसी की वैल्यू आई हुई है 2.09 मिली एम्पियर और वीसी की वैल्यू 5.16 एम्पियर। तो VC यहाँ पे, ये हमने 3 के अप्रॉक्स में यहाँ पे लाइन पुट करे, 0, 3, 6, 9, 12 और 15, इसको इस तरीके से डिवाइड किया है, ऊपर हमें मात्र 3 वोल्ट तक ही है, तो यहाँ पे एक एक के इंटरवल पे ले लिया 1, 2, 3, तो यहाँ पे पुट कर दिया 3.9। इन दोनों को लेते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ किया, उसको हमने बोला डीसी लोड लाइन। क्लियर है, ये वैल्यू हो गई बी, जो कि हमारी कितनी आई थी, आईसी की वैल्यू वीसीसी डिवाइड बाय आरसी 3.19, और ये इसकी वैल्यू आई थी 15 वोल्ट, जिसको लेते हुए हमें डीसी लोड लाइन ड्रॉ कर दिया। अब जो हमने क्यू पॉइंट निकाला है, जो कि हमने वीसी की वैल्यू 5.16 और आईसी की वैल्यू 2.09 आई हुई है, उसको इस पे दिखा देंगे क्यू पॉइंट को। तो इस पॉइंट पे 5.16 करीब इसके आसपास होगा, ये थोड़ा सा 6 के नजदीक हो गया, ये वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली रखा है हमने, और 2.09 यानी कि जस्ट 2 के अराउंड, और इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे मिला दूं तो ये हमारा Q पॉइंट होगा, जो VCE IC के बराबर होगा। ओके, तो फिर से मैं रिपीट कर दूं, हमने क्या किया, ऑपरेटिंग पॉइंट या Q पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमने कोई भी अलग मेथड नहीं अप्लाई किया, सिंपल एक बेस में और
कलेक्टर सर्किट में केबल अप्लाई करके आईबी, उससे हमें वैल्यू आईसी की निकल गई और उससे हमने वीसी निकाल लिया और वो हमारा हो गया वीसी कॉमा आईसी, वो हो गई हमारी क्यू पॉइंट। सिमिलरली स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए हमें कुछ और निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमें पता है कि फिक्स बायस में स्टेबिलिटी फैक्टर 1 प्लस बीटा होता है, बीटा हमें पता है तो 1 प्लस 120 हमारा 120 आ गया। सिमिलरली अब हमें डीसी रूल लाइन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है कि केवीएल इक्वेशन जो कलेक्टर में हम यूज करते हैं बिना इसका यूज किए हुए, जो पहले हमने किया था उसको छोड़ देते हैं और उसमें हम एक बार आईसी इज इक्वल टू 0 पुट आउट करते हैं, पुट करते हैं उससे हमें वीसी की वैल्यू निकल जाती है और एक बार वीसी इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं उससे आईसी मिल जाती है। दोनों को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसमें आईसी वर्सेस वीसी के ग्राफ पे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पे और उससे जो लाइन प्राप्त होती है उसको हम लोग डीसी लोड लाइन बोलते हैं। तो आई होप कि आप एग्जांपल के थ्रू आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डीसी लोड लाइन क्या होती है, क्यू पॉइंट क्या होता है, स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है और हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। थैंक यू।